नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों से। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने कील कांटों को दुरुस्त करने में जुट गई है। चुनाव से पहले ही पटकथा दिल्ली के दरबार में लिखी जा रही है। दिल्ली में बीजेपी की चल रही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आखिरी दिन लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन हुआ। बीजेपी की नज़र 2024 के लोकसभा के साथ साथ इस साल होने वाले विधानसभा के चुनाव पर भी है। इस खबर पर हमारे संवाददाता दिल्ली से परवीन मिश्रा जुड़ चुके हैं। परवीन, बीजेपी के संवाद और जीत का शंखनाद को लेकर आप बराबर दो दिवसीय बैठक वहां पे चल रही है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। क्या रणनीतियां बन रही हैं, क्योंकि 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव और अगले साल 2024 को लेकर भी मंथन जारी है, तो क्या रणनीति आपको वहां पे नजर आ रही है इसमें बीजेपी की तरफ से अपने पदाधिकारियों को जो निर्देश जारी किए जा रहे हैं? देखिए मनीष, मैं आपको बता दूं, कल मैं दिल्ली भी था, वहां पर जिस समय पर रोड शो निकाला गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, एक भव्य रोड शो था। उस खबर पूरी मैंने वो न्यूज कवर करी थी। कहीं ना कहीं जब आज ये दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक है, मतलब कार्यकारिणी बैठक है, लगातार देखिए लगभग 22 राज्यों से जो मुख्यमंत्रियां हैं और जो केंद्रीय मंत्री हैं खासतौर पे, वो सब वहां मौजूद हैं। और जो अपने जो बड़े नेता हैं खासतौर पे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो भी खुद मौजूद हैं। लगातार सारी बैठकों को, लगातार सारे समीकरण को जो है वो देखा जा रहा है, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको लेकर जो चर्चाएं हो रही है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी 9 राज्यों में जो विधानसभा जो चुनाव होना है, उसके बाद लोकसभा जो चुनाव होगा वो 2024 में होगा, उस पर मंथन हो रहा है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार कमर कस रही है, क्योंकि लगातार जिस तरह से कई ऐसे राज्य हैं जहां पर उनको शिकस्त मिली थी, हालांकि गुजरात जैसे राज्य जो रहे हैं वहां उन्होंने जीत भी, भारी जीत भी हासिल करी है, लेकिन कहीं ना कहीं 2024 को लेकर अब जो है मंथन जारी है। और ये जो दूसरे दिन की आज जो बैठक है, लगातार बड़ी बड़ी बैठक मानी जा रही है दिल्ली के अंदर में, क्योंकि जब कल जो रोड शो था वहां पर मैं कवच कर रहा था, तो कहीं ना कहीं जो मोदी, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर जो शिकन थी, कहीं ना कहीं एक मुस्कुराहट भरी शिकन थी, और जो जनता की वहां भीड़ थी वो काफी भारी संख्या में थी। हालांकि छोटे बच्चों से लेके बड़े बड़े बुजुर्ग भी थे, कई महिलाएं थी, मुस्लिम महिलाएं भी वहां पर पहुंची थी, और वो भी अपने उन चीजों को लेकर बात कर रही थी कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने उनके लिए जो किया है, हालांकि अभी तक किसी भी सरकार ने इस तरह से नहीं करा, तो कहीं ना कहीं लोकप्रियता जो है प्रधानमंत्री मोदी की उसका खासतौर पर कल देखने को मिली। और लगातार आज जो केंद्रीय मंत्री हैं और जो राज्यों से बुलाए हुए मुख्यमंत्री हैं, वो भी वहां मंथन कर रहे हैं। हालांकि 2024 का जो चुनाव है, अब उस पर उसको लेकर खासतौर पर सभी को एक रणनीति दी गई है, और रणनीति के तहत ही आगे वो काम करेंगे। जी मनीष, बीजेपी की अगर बात किया जाए प्रवीण, तो बीजेपी हमेशा अलर्ट मोड पर रहती है। एक अभी इससे पहले 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उसके बाद अभी इससे पहले निकाय चुनाव भी हैं, उसके बाद आपके लोकसभा चुनाव भी हैं, तो बीजेपी का जो संगठनात्मक ढांचा है उसको अगर देखा जाए तो शुरुआत से लेकर अंत तक उनकी मजबूत पकड़ बना के रखते हैं। अगर पन्ना प्रमुख की बात किया है तो सबसे निचला जो पायदान होता है वो है पन्ना प्रमुख का होता है, उसमें भी बीजेपी एक मजबूत पकड़ बना के रखती है, और पन्ना प्रमुख के माध्यम से भी उनका संगठन काफ़ी तेजी से विस्तार हो रहा है। फिलहाल कल ये 2 दिवसीय जो बैठक हुई है, इसमें क्या कुछ निकल कर आया, मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ। क्या बाहर कैसी जानकारी मिली कि जेपी नड्डा ने और प्रधानमंत्री खुद भी वहाँ मौजूद हुए थे, तो कुछ ऐसा उन्होंने अपने निर्देश अपने पदाधिकारियों को इन चुनाव को लेकर दिया है और संगठन को मजबूत करने के लिए ऐसा कुछ आदेश दिया है? देखिए, जो जो कल निकले थे, जैसे कि जो केंद्रीय मंत्री थे और खासतौर पे जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे मीडिया ने सवाल जरूर पूछने की कोशिश करी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने यह भी बताया है कि सभी को अपनी जिम्मेदारी दी गई है। 2024 का जो चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण है, और इस बार जो है नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है, इस बार हैट्रिक लगाएंगे और बहुत अच्छे नंबरों से, अच्छे बहुमत से जीतेंगे कहीं ना कहीं। तो अब जो 9 राज्यों में जो इस समय विधानसभा चुनाव है, उस पर भी चर्चाएं की गई हैं, और वहां पर रैली को लेकर खासतौर पे जो जैसे जैसे जिस जिस राज्य में चुनाव होंगे वहां पर पहले से ही अपने कार्यकर्ता और अपने जो पदाधिकारी हैं उनको भेजेगी भाजपा, और कहीं ना कहीं उसको मजबूत करेगी। और जो खासतौर पर सबसे बड़ी बात है, जो बूथ स्तर का जो कार्यकर्ता है उनसे बात करने की बात कही गई कि पहले से ही रणनीति तैयार की जाए, और सभी जो जगह है जहां पर बीजेपी ने कई काफी कम अंकों से अपनी जीत हासिल करी है, काफी कम वोट मिले हैं, तो वहां पर भी थोड़ी पकड़ बनाई जाए। तो कहीं ना कहीं नगर निकाय चुनाव को लेकर भी मंथन किया जा रहा है। हालांकि जितने लोग बाहर निकले हैं अभी उनसे बातचीत भी करने की कोशिश की गई मीडिया के द्वारा, तो कहीं ना कहीं सभी ने अपनी जीत का जो है बिल्कुल उसको बजा दिया है, बोल दिया है कि अब 2024 में इस बार दोबारा फिर से तिबारा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से तिबारा जीतेंगे और बड़ी अच्छी जीत हासिल करेंगे। जी प्रवीण, कल दिल्ली में पीएम मोदी का रोड शो था, उस रोड शो में बड़ी संख्या में जनता और उनके कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, फूल मालाओं की वर्षा की जा रही थी पूरा, उस समय आपको वहां का माहौल क्या नजर आ रहा था, थोड़ा सा उसका वर्णन कीजिए।
जी बिल्कुल, देखिए मनीष जिस समय पर प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे और लगातार देखिए वहां पर पहले से ही भीड़ जुट गई थी। हालांकि बच्चों से लेके जो मुस्लिम महिलाएं हैं, बुजुर्ग भी हैं, सभी लोग एक झलक पाना चाहते थे। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना था कि उन्होंने कभी भी नजदीक से प्रधानमंत्री मोदी को नहीं देखा है, लेकिन कहीं ना कहीं जब उनको देखा और उनके जो चेहरे पे खुशी थी वो देखने वाली थी। हालांकि उन्होंने जनता का अभिवादन स्वीकार किया और साथ ही साथ मीडिया कर्मी वहां खड़े थे उनका भी अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़े। उसके बाद जो उनकी जो एक भव्य जो रैली थी खासतौर पे, जिसमें लगातार पूरी रैली में फूल वर्षा होती रही और प्रधानमंत्री आगे बढ़ते रहे, सभी का अभिवादन स्वीकार करते रहे, तो कहीं ना कहीं चेहरे पे खुशी देखने को मिल रही थी और जो चमक थी चेहरे पे जीत के तरफ कहीं ना कहीं अग्रसित कर रही थी कि 2024 का जो चुनाव है आपकी जो है भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों से जीतेगी और तीसरी बार जो है आपकी ये तीसरी बार हैट्रिक लगाएगी। जी प्रवीण, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अपनी सियासी रणनीति को लेकर सक्रिय हो गए हैं। अखिलेश यादव ने केंद्र में थर्ड फ्रंट के साथ आगे बढ़ने के लिए अभी से रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसी क्रम में अखिलेश यादव 2 दिवसीय दौरे पर तेलंगाना जा रहे हैं, जहां वह तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बड़ी जनसभा को में शामिल भी होंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर भी तेलंगाना के बाहर अपनी पार्टियों का विस्तार देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और 18 जनवरी को एक बड़ी महारैली आयोजित करने जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर पर हमारे साथ विवेक शाही मौजूद हैं। विवेक, अखिलेश यादव तेलंगाना के दौरे पर हैं और चंद्रशेखर राव से मुलाकात करेंगे, इसको लेकर अभी ताज़ा जानकारी आपके पास क्या है और क्या रणनीति अखिलेश यादव की है तेलंगाना जाने की? आज रात 8 बजे अखिलेश यादव हैदराबाद के लिए रवाना होंगे और मुख्यमंत्री जो केसीआर है तेलंगाना के, उनके बुलाने पे, उनके निमंत्रण पे 2 दिन के हैदराबाद के दौरे पर है। और जिस तरीके से केसीआर और अखिलेश यादव की नजदीकियां बढ़ रही है, इसके पहले जब केसीआर ने अपनी पार्टी का राष्ट्रीय दफ्तर दिल्ली में खोला था तो उस समय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वहां पे गए थे, एक अतिथि के तौर पे निमंत्रण को वहां पे गए थे। इसके पहले केसीआर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिल चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए ऐसी मुलाकातें जो है वो काफी जरूरी बताई जा रही है तीसरे फ्रंट के लिए और काफी अहम भी होने वाली है। कांग्रेस और भाजपा लगातार जो है 2024 की तैयारियां कर रहा है। इस साल 2023 में 9 विधानसभा के चुनाव है जिसमें 2 सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां लगी हुई हैं, लेकिन इसी बीच चुपके से एक तीसरा फ्रंट भी उधर के सामने आ रहा है जिसमें केसीआर एक बड़ी भूमिका में आपको दिखाई दे सकते हैं। इसके पहले वो बिहार गए थे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साधा था, उनका मन टटोला था, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, पत्रकारों के सवालों को कई बार जवाब भी दिए थे और नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने के भी जो सवाल थे उसको भी उन्होंने जवाब दिए थे। और अखिलेश यादव से ज्यादा नजदीकियां केसीआर की बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं एक तीसरे मोर्चे के रूप में केसीआर एक किंग मेकर बनने का खाब देख रहे हैं और एक दूसरे मोर्चे की सरकार बनाने की लगातार बात कर रहे हैं। क्या अखिलेश यादव का कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है या फिर मायावती और शिवपाल यादव और बाकी जो आपकी क्षेत्रीय पार्टियां हैं या आपकी बाहर उनको जाना पड़ा, तेलंगाना जाना पड़ा है, वहाँ के मुख्यमंत्री के जनसभा में शामिल होना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 2024 को लेकर वो एक रणनीति बना रहे हैं, एक महागठबंधन बनाने के प्रयास में नजर आ रहे हैं कि किसी भी तरीके से वो 2024 में एक अच्छे बहुमत से विजय हो सके। कहीं रणनीति आपको कोई ऐसे लग रहा है? देखिए मनीष जी, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ भी गठबंधन किया था और बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ भी गठबंधन किया था, तब बुआ बबुआ का जो नारा था काफी चला था, लेकिन इन दोनों गठबंधनों में समाजवादी पार्टी को कुछ खास हासिल नहीं हुआ, नुकसान बहुत सारा हुआ। इस बार तीसरे मोर्चे की एक बात उभर के आ रही है, जब सभी विपक्षी पार्टियां एक होकर एक तीसरा मोर्चा बना रही है, केसीआर इसमें मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, सभी विपक्षी जो नेता हैं जो चाहे वो क्षेत्रीय दल के हो, सभी ये जो दल बन रहा है, तीसरा मोर्चा बन रहा है, इसमें सभी क्षेत्रीय दल ज्यादा सक्रियता दिखा रहे हैं, चाहे ममता बनर्जी की आप बात कर लें, चाहे अखिलेश यादव की आप बात करें, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें, ये क्षेत्रीय दल जो है वो अपनी मजबूती अपनी पावर को दिखा रहा है, सत्ता में जो काबिज है उस सरकार को और जो काफी साल तक सत्ता में काबिज रह चुकी थी कांग्रेस को, उनको अपनी मजबूती दिखा रही है। खैर आम आदमी पार्टी अपना एक अलग विकल्प के रूप में चल रही है अभी तक, तीसरे जो मोर्चा की बात हो रही है, केसीआर और केजरीवाल की अभी तक इस तरह की कोई बात हुई नहीं है और केसीआर लगातार जो है क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर सबको लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं सरकार के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार दूसरी बार बहुमत से केंद्र में आई है, उत्तर प्रदेश में 2 बार जो बहुमत से वो सत्ता हासिल कर चुकी
की है और 23 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, जो 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है उसको लेकर काफी अहम बैठक है। क्या कुछ संगठन बदलाव किए जाएंगे? तो भारतीय जनता पार्टी ने जो है अब धीरे-धीरे खोलने शुरू कर दी है ताकि 2024 में वो मजबूती से लड़ सके, दोबारा केंद्र में अपनी सरकार बना सके। लेकिन इधर केसीआर लगातार जो है क्षेत्रीय दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल रहे हैं, सबसे लामबंदी की बात कर रहे हैं और मेकर बनने का एक साझेदारी करें, एक अच्छी खासी भागीदारी करें। विवेक, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर संभल से है जहां बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2024 लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने के फैसले को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान ने उनकी तारीफ की है। सपा सांसद ने कहा कि मायावती ने अल्पसंख्यकों और पिछड़ों के विकास के लिए बहुत काम किया है। उन्होंने वर्तमान सरकार में पिछड़ों अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार कर रही थी उसका भी उन्होंने जमकर विरोध किया। सांसद बर्क ने मायावती के फैसले को जमकर तारीफ करी है। कौम के लिए या अपनी बिरादरी के लिए उन्होंने काम किया है और फील्ड में जमकर काम किया है। बहरहाल मैं भी उनकी पार्टी में रह चुका हूँ, सन 9 में मैंने भी इलेक्शन लड़ा था तो मेरा इलेक्शन बहरहाल उनकी पार्टी से मैं जीता था, समाजवादी हार गई थी। लेकिन बहरहाल जहाँ तक उनका ताल्लुक है वो भी एक शख्सियत हैं और सुप्रीमो हैं, वो उनके रहने से उनकी भी ज़रूरत है देश के अंदर ताकि OBC के लोगों का के साथ जो जुल्म और ज़ाती और नाइंसाफ़ी होती है उसके रोकने के लिए उनकी भी ज़रूरत है। और हम भी बहैसियत मुसलमान के हम भी सपोर्ट करते हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने के फैसले को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान ने उनकी जमकर तारीफ करी है और उन्होंने कहा है कि मायावती ही एक ऐसी हैं जो अल्पसंख्यकों और पिछड़े के विकास के लिए बहुत काम कर चुकी हैं। क्या कहेंगे इस पर? गाँव से ये राजनीतिक गलियारे की एक नई सुगबुहार नजर आ रही है। बड़े नेता है शफीकुर रहमान, वो लगातार अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, काफी कुछ ऐसे बयान दे जाते हैं वो कि वो चर्चा में बने रहते हैं। वो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, बड़े नेता हैं और समाजवादी पार्टी में काफी पैड भी रखते हैं। इसके बावजूद उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए बहुत अच्छे शब्दों का उपयोग किया है और उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों और दलितों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। इधर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने जन्मदिन के अवसर पर मायावती ने किया तो उस समय साफ ये दर्शा दिया था कि आने वाले समय में वो किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी और जितने भी चुनाव होने वाले हैं, चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या फिर आने वाला आगामी लोकसभा का चुनाव हो, बहुजन समाजवादी पार्टी अकेले इस चुनाव को लड़ेगी और नतीजे चाहे जो भी कुछ हो वो गठबंधन किसी के साथ नहीं करेगी। लेकिन हमेशा से ही इस समय की अगर बात की जाए कि बसपा सुप्रीमो इस विधानसभा चुनाव में काफी एक्टिव नहीं रही और कांग्रेस जो है और समाजवादी पार्टी लगातार उन पे आरोप लगाती रही है कि वो भाजपा की बी टीम की तरह व्यवहार कर रही है, भाजपा की बी टीम की तरह खेल रही है। इधर समाजवादी पार्टी लगातार उन पे आरोप लगा रही है कि वो भाजपा की बी टीम है, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद जो है शफीकुर रहमान ने उनकी तारीफ कर दी है। तो राजनीति में इस तरह की उठापटक देखने को चलती है मनीष जी, और जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि आने वाले समय वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी उसको लेकर तमाम सारी अटकलें भी चल रही हैं। इसके पहले सपा के साथ जब बुआ बबुआ का गठजोड़ था तो उसमें निश्चित तौर पर बहुजन समाजवादी पार्टी को फायदा ज्यादा मिला था, जबकि समाजवादी पार्टी की सीटें जो है वो काफी घट के रह गई। तो बसपा ने जब भी गठबंधन किया है बसपा को फायदा ही मिला है, लेकिन इस बसपा जो है अकेले चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। हर चुनाव जो अब अकेले लड़ने वाली है, निकाय चुनाव से बसपा अपनी कमर जो है मजबूत कर रही है ताकि आम लोकसभा चुनाव में अच्छी खासी पैठ जो है अपने वोटरों में, जो अपने कोर वोटरों में वो जमा सके। विवेक, इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है कि सपा के सांसद हैं उसके बाद वो मायावती की तारीफ करते नजर आ रहे हैं, क्या कहीं उनको भी सपा के अंदर कहीं अपना मान घटता नजर आ रहा है? देखिए, शफीकुर रहमान लगातार जो है विवादित बयान देते आए हैं, ये ऐसा पहली बार नहीं है जब उनके बोल जो है समाजवादी पार्टी से इतर दिखे हों या फिर समाजवादी विचारधारा से इतर दिखे हों। उसके पहले भी वो कई दफा ऐसे बयान देते आ रहे हैं जिसकी निंदा हो चुकी है और समाजवादी पार्टी ने उनके बयानों से पल्ला भी झाड़ा है।
खैर ये समाजवादी पार्टी इसे उनका व्यक्तिगत बयान मांग के अपना पल्ला तो झाड़ लेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये इशारा करता है आने वाले लोकसभा चुनाव से कि अगर समाजवादी पार्टी से उनको टिकट नहीं मिला तो क्या वो बसपा की तरफ जाएंगे या क्यों रुख कर रहे हैं बसपा की तरफ। और बहुजन समाजवादी पार्टी जो है जिस तरीके से उन्होंने प्रशंसा की है बसपा सुप्रीमो मायावती की कि उन्होंने दलितों और अल्पसंख्यकों के लिए काफी कुछ किया है, तो कहीं ना कहीं इशारा करता है कि अगर तवज्जो नहीं दी जाएगी तो वो अपना रुख बदल सकते हैं और बहुजन समाजवादी पार्टी का दामन भी थाम सकते हैं। शफीकुर रहमान, इस खबर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बसपा सरकार में मंत्री रहे हाजी याकूब कुरैशी और उनके दोनों बेटों को अलग अलग जेलों में भेज दिया गया है। याकूब कुरैशी को मेरठ जेल से सोनभद्र जेल भेजा गया है। याकूब के बड़े बेटे इमरान को सिद्धार्थनगर जेल और छोटे बेटे फिरोज को बलरामपुर जेल भेजा गया है। प्रशासन का दावा है कि मेरठ जेल में मुलाकात करने वालों की भीड़ बढ़ गई थी, इसी कारण से उनकी जेल बदल ली गई है। यह जानकारी जेल अधीक्षक राकेश कुमार ने दी है। इस खबर पर संवाददाता हमारे साथ सागर थापा मौजूद है। सागर, बसपा सरकार में मंत्री रहे हाजी याकूब कुरैशी और उनके दोनों बेटों को अलग अलग जेलों में भेज दिया गया है। याकूब कुरैशी को मेरठ जेल से सोनभद्र और याकूब के बड़े बेटे को इमरान सिद्धार्थनगर और फिरोज को बलरामपुर शिफ्ट कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि बढ़ती भीड़ की को लेकर पुलिस प्रशासन परेशान था, जेल प्रशासन परेशान था, जिसके तहत इनको स्थानांतरित किया गया है। क्या खबर है, क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए मनीष, आपको बता दूं कि यूपी सरकार में जब बसपा की सरकार थी, मायावती की सरकार हुआ करती थी, तो हाजी याकूब कुरैशी का दबदबा माना जाता था और काफी कद्दावर नेताओं में ये शुमार होते हैं। 2012 से जब 17 की सरकार आई तो उसमें ये मंत्री भी रह चुके हैं। उसके बाद जो है जब भाजपा की गवर्नमेंट आई तो उसके बाद इनके खिलाफ कई जांचें हुई, जांचों में ये आरोपित साबित हुए, क्योंकि जो मीट का व्यवहार ही करते हैं पूरे मेरठ जिले में उसमें गलत तरीके से पैकिंग के आरोप इन पे लगे और इनके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत किया गया। उसके इनके और इनके जो बेटे हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा पंजीकृत किया गया और इनकी वाइफ को भी सम्मिलित किया गया। हालांकि वाइफ जो है इनकी जमानत पे बाहर है, लेकिन जो दोनों बेटे हैं और ये है, इनको इन तीनों को मेरठ जेल में रखा गया था। और लगातार ये भी देखा जा सकता था कि जो मुलाकात करने वाले लोग हैं लगातार वहां पे तांता बढ़ रहा था। इस वजह से जो SP है वहां के, वहां पे SSP है वहां पे सनोज जी, उन्होंने कहा था कि मुलाकात की तांता बढ़ने की वजह से सुरक्षा के दृष्टि को लेकर जो है इन तीनों को शिफ्ट किया जा रहा है। और आज सुबह की बात करा तो याकूब को सोनभद्र जेल भेजा गया और उनके जो दो बेटे हैं एक को बलरामपुर और एक को सिद्धार्थनगर भेजा गया। बसपा नेता और पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी के खिलाफ अवैध मीट पैकिंग समेत गैंगस्टर का मुकदमा भी मेरठ पुलिस ने दर्ज किया था। याकूब को भगोड़ा घोषित करते हुए मेरठ पुलिस ने तकरीबन 50,000 का इनाम भी इसके ऊपर रखा था और हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक याकूब को राहत नहीं मिली। इसके बाद आरोपियों की फरारी काटिंग बढ़ती। इस दौरान मेरठ पुलिस ने हाजी याकूब कुरैशी और उसके बेटे इमरान को दिल्ली से गिरफ्तार किया, जबकि बेटा जो फिरोज था, छोटा बेटा था, गाजियाबाद से पकड़ा गया। याकूब और दोनों बेटों को यही मेरठ जेल में रखा गया था, लेकिन कुल मिला के आज जो है इनकी जेल की अदला बदली कर दी गई, तीनों को अलग दिशाओं में भेज दिया गया है। और जेल में हाजी याकूब कुरैशियों से मुलाकातियों की संख्या लगातार बढ़ी थी। इसके अलावा जेल में ऐशो आराम की शिकायत भी शासन तक पहुंची थी। इसके बाद शासन के निर्देश पर हाजी याकूब कुरैशी को सोनभद्र जेल में शिफ्ट किया गया। वहीं याकूब के बड़े बेटे इमरान को सिद्धार्थनगर और छोटे बेटे को बलरामपुर भेज दिया गया। हालांकि तीनों को आज सुबह ही शिफ्ट किया गया है। तीनों को आरोपियों को जेल में ही निगरानी की जाएगी और इन्हें कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर बता दूं मनीष कि इन तीनों को अलग अलग दिशाओं में भेजा गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए शासन पूरी तरह से सख्त है और शासन की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है कि जो अपराधी या गुनहगार होगा उसे किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि CM योगी जो है और योगी की सरकार है तमाम जो है दावे कर रही है, उन दावों पर भी खड़े उतर रही है। जी सागर, सागर इस खबर पर जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम TV, सच साहस सरोकार।